नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। किसान आज बड़े आंदोलन की तैयारी में है। आपको बता दें कि आंदोलन के 19वें दिन किसान भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसान अनशन करेंगे। किसान देश के जिलों में भी किसानों का धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली कूच करने वाले राजस्थान के किसान जयपुर हाईवे पर डटे हुए हैं। इस हाईवे पर 10 किलोमीटर तक किसानों का जमावड़ा है। तो आपको हम बता दें कि लगातार 26 नवंबर से यह आंदोलन शुरू हुआ था और आज आंदोलन का 19वां दिन है। इस दिन 6 दौर की बातचीत, लेकिन कृषि कानून को लेकर नहीं कम हो रहे किसानों के तेवर। किसान आंदोलन अब अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, जो पहले से ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा है। आज से किसान आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी है। आज किसान नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ये हड़ताल रहेगी। सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित सभी नाकों पर अनशन पर किसान नेता बैठेंगे। दिल्ली जयपुर बॉर्डर को बंद किया जाएगा। देश भर के जिला मुख्यालयों के बाहर धरना दिया जाएगा। हमारा जैसा प्लानिंग था, उस अनुसार जयपुर हाईवे जो है वो जाम करने में सभी किसान साथियों ने सफलतापूर्वक उसमें योगदान दिया, तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। अलॉन्ग विथ जितने पूरे देश के जितने किसान साथी है वो यहाँ तक दिल्ली कूच करे और जितना भी मतलब जहां पे जाम लगा हो उसमें सहयोग दे। हमारा लक्ष्य है, समय हमारा तय है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे पूरी ताकत के साथ। और भी किसान किसी भी प्रकार से आएंगे, यहां आते जाएंगे। कल से ही किसान आंदोलन की तादाद दिल्ली से सटी सीमाओं पर बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं किसानों के रूट को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंटलाइन ड्यूटी पर आरएफ के जवानों की तैनाती की गई है। उसके बाद आईटीबीपी और सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई गई है। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसमें सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी शामिल है। सभी बैरिकेड्स को लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। 7 बड़े क्रेन पुलिस ने खड़े कर दिए हैं। टिकरी बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक किसान बैठ चुके हैं, जिनकी संख्या 25,000 से ज्यादा है। कायदा सीमेंटेड बैरिकेड्स वहां पर कर दिया गया है। उसके बाद दूसरे लेयर की सीमेंटेड बैरिकेडिंग है। उसके बाद तीसरे लेयर की जो बैरिकेडिंग है, तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो 6 से 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। उसके अलावा आईटीबीपी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। साथ ही साथ अगर आप यहां पर देखें तो आपको यहां पर 6 से 7 क्रेन दिखाई देगी। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और सिंघू बॉर्डर, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ाई जा रही है। किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिनका प्लान दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करना है। शाहजहांपुर से निकले किसानों को रास्ते में रोक दिया गया है। वहीं किसानों के कई जत्थे हरियाणा सीमा पर रोके गए हैं। किसान किसी भी सूरत में टस से मस होने को तैयार नहीं है। बहरहाल किसानों को मनाने में सरकार अब तक नाकाम रही है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और आंदोलन अब और बड़ा होने जा रहा है। आज तक सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। आज लखनऊ में यूपी के किसानों से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वही मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन कर किसानों तक पहुंचने का प्लान है। किसानों की मांग है, तीनों कानून रद्द करो। सरकार का दावा है कानून क्रांतिकारी है। किसान का आक्रोश बोल रहा है, दिल्ली में बैठकर कानून बनाने वाले खेती क्या जाने, ये कानून काला धब्बा है। सरकार से 6 दौर की बातचीत इसी रशाकसी की भेंट चढ़ गई। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है।
हालांकि किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन किसान ने उसे छलावा बताकर खारिज कर दिया। हम भी अपनी फोर्सेस जो है वो तब्दील करने की रणनीति बना कर आए। सरकार को मान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये दमखम से लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरा देश एक साथ लड़ेगा। हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी। इस कानून के अनुसार आप चाहे तो मंडी चलाइए, लेकिन किसान की इच्छा होगी तो मंडी में बेचेगा, किसान की इच्छा होगी तो तमिलनाडु में भी बेचेगा, दिल्ली में भेजेगा, बिहार भेजेगा। इस गतिरोध के बीच सरकार को एक कामयाबी तब मिली जब दिल्ली नोएडा सीमा पर चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के गुट के नेताओं ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। यूनियन ने 18 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और धरने से उठ गए। 12 दिन से जिस रास्ते को बंद किया गया था उसे खोल दिया गया। इधर आंदोलन कर रहे किसानों को दूसरा झटका भी लगा। रविवार को उत्तराखंड के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया। जाहिर है सरकार गदगद है। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। आंदोलन कर रहे किसान संगठन सरकार की रणनीति समझ रहे हैं। इसका इशारा तब मिला जब राकेश टिकैत ने किसानों को अपने बीच गलत तत्व पर नजर रखने की बात कही। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों ने खुलकर आंदोलन को हाईजैक होने का आरोप लगाया था। सरकार का दावा था कि किसान आंदोलन माओवादियों और वामपंथियों के हाथों में चला गया है। ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता कि तख्ती बैनर वो क्या ले रहा है। कोई पंपलेट बांट रहा है, कोई बैनर लगा रहा है, कोई फ्लैग लगा रहा है, तो किसका वो फ्लैग है? ऑथेंटिक है नहीं है, प्रतिबंधित तो नहीं है। तो इन सब चीजों को जो यंगस्टर है उनको निगाह रखनी चाहिए। दरअसल टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के बीच दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जिल इमाम और उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर दिखाई दी थी। ये वो लोग हैं जो NSA और UAPA जैसे गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजे गए हैं। ये तस्वीर वायरल हुई तो सवाल उठे, अब किसान आरोपों से आहत है। हाँ, आप अभी जितने लोग खड़े हैं उनसे ही पूछो, हर घर का आदमी फौज में है, मेरे दो मामा फौज में है, लेकिन क्या मुझे बताओ इनके घर से कोई फौज में है? तो वो भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी है क्या? तो सरकार जो है बरगलाने काम कर रही है, किसानों पर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। और किसान से जुड़ी जनता, सरकार ने किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भेज दिया है। किसान इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं और अब किसान और सरकार के बीच गतिरोध कायम है। किसान झुकने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को स्वीकार करेगी। यानी दोनों पक्ष अपने रुख में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली में गिरता तापमान और किसानों में नाराजगी का चढ़ता पारा दोनों ही खतरनाक है। कमलजीत संधू और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बंगाल में सियासी पारा आसमान पर है। वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत से बवाल और बढ़ गया है। टीएमसी इसे बीजेपी में आपसी कलह का नतीजा बता रही है, तो बीजेपी टीएमसी को जिम्मेदार बता रही है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। कार्यकर्ताओं ने पुलिस का घेराव कर दिया। हाल ही शहर में उनके एक साथी की पीट पीट कर हत्या हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए, पुलिस पर सवाल उठाए। ये बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट से नहीं, पूरे बंगाल के जो कुछ ऐसे पुलिस अफसर हैं जो ममता बनर्जी के तलवे चाट रहे हैं और बंगाल में अशांति का वातावरण कायम कर रहे हैं, भय दिखा रहे हैं ताकि आने वाले दिन में चुनाव में कोई वोट देने नहीं। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि टीएमसी के लोग उनके कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, हमले कर रहे हैं। हाल ही शहर में जिस सैकत भवाल नाम के कार्यकर्ता की हत्या हुई
वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में प्रशासन नाम की चीज नहीं है। टीएमसी के राजनीतिक विरोधियों पर हमले होते हैं और पुलिस प्रशासन देखते रहते हैं। ऐसे में बिना डर के चुनाव कैसे होगा? पता है कि उनकी जमीन खिसक गई तो आतंक के बल पर फिर से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि बंगाल के संस्कार और संस्कृति में कहीं पर भी आतंक और भय नहीं होना चाहिए और हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोग निर्भीकता से वोट डाल सकें। नया टकराव बीजेपी वर्सेस जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद शुरू हुआ है, जब नड्डा की सुरक्षा में चूक पर केंद्र सरकार ने बंगाल से रिपोर्ट मांगी, मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा इंतजाम देखने वाले 3 आईपीएस अफसरों को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर बुला लिया, लेकिन टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी अधिकारियों को डरा रही है और केंद्र के आगे राज्य सरकार झुकेगी नहीं। प्रोविजन सर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आर गवर्न्ड बाय आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दे आर सिलेक्टेड द IAS और IPS officers are given allotted states. They are made state cadres. जेपी नड्डा पर हमले से टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई का नया राउंड शुरू हुआ और इस नए राउंड में राज्यपाल की एंट्री भी हो गई। राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का टकराव पहले से चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार कोनो गणतंत्र मानछे ना, কোন রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধতা মানছে না, কোন ফেডারেল স্ট্রাকচার মানছে না। ম্যাডাম, ভারত এক হ্যায়, ভারত কি আত্মা এক হ্যায়, ভারত কি নাগরিকতা এক হ্যায়। ইয়ে জো খতরনাক খেল হ্যায়, কোন ভারি কোন অন্দরুনি, আপ ইসকো ত্যাগ দিজিয়ে। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बीजेपी लगातार ये साबित करने में जुटी है कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, दीदी के राज में अराजकता है, इसलिए बंगाल में इतना बवाल हो रहा है। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि ये उसकी वजह से नहीं, बीजेपी की वजह से हो रहा है। ममता के एक मंत्री ने बीजेपी पर बहुत बड़ी साजिश का आरोप लगा दिया। दिल्ली सरकार एवं विशेष करे बीजेपी पार्टी तारा उठे लेके पड़े छे। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনো দিন শুনে পড়ে যদি না পড়ে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে কোন করবে ওরা দেখবেন কোন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি, বলতে মুঝে খুন করার কা সাজিশ হো রহা হ্যায়। কিউ উসকো খুন করেগা আদমি, खून तो उनके लोग कर रहे हैं दूसरे को। बंगाल में अभी चुनाव को 4-5 महीने हैं, लेकिन बीजेपी और टीएमसी की खुली लड़ाई चल रही है। कैमरे पर नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जमीन पर कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे की जान तक ले रहे हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और मनुज्ञा लोहिवाल के साथ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।